हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSCRTA में। दोस्तों, अभी रेलवे कर्मचारियों में बहुत सी आक्रोश है। कर्मचारी इसके लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि दुर्गा पूजा का समय आने वाला है, लेकिन अभी रेलवे के द्वारा बोनस की घोषणा नहीं हुआ है। इसे कर्मचारी में बहुत ही असंतोष व्याप्त है। रेलवे कर्मचारी ने किया ऐलान, बोनस हमारा अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। कर्मचारियों ने रेलवे पावर हाउस में किया विरोध प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, एक गंगापुर सिटी का न्यूज आपको बताता हूँ कि सन 1974 की ऐतिहासिक रेल हड़ताल के बाद रेल कर्मचारियों को बोनस देना शुरू हुआ था। इसके लिए रेल कर्मचारियों ने कुर्बानियाँ दी थी। लंबे संघर्ष के बाद हमें बोनस का अधिकार मिला है। यह बात बुधवार को रेलवे पावर हाउस में रेल कर्मचारियों को संबोधित करते हुए वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय यूनियन को मंडल उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन ने कहा था। जी हां साथियों, नरेंद्र जैन ने यूनियन के आह्वान पर मनाए जा रहे बोनस अधिकार पखवाड़े के तहत रेलवे पावर हाउस के द्वार पर सभी को संबोधित किया। इस अवसर पर जैन ने कहा कि केंद्र सरकार अब रेलवे कर्मचारियों के साथ छिछोरी हरकत करना बंद करे। अभी महंगाई भत्ते को बंद करने का आदेश दिया था, कभी रात्रिकालीन भत्ता को बंद करता है तो कहीं कभी कर्मचारियों की 8 घंटा की ड्यूटी को बढ़ाकर 12 घंटा करने का आदेश देता है तो कभी यात्रा भत्ता, ओवर टाइम आदि को बंद करता है। अब रेलवे कर्मचारी द्वारा गत समय में किए गए कार्यों के एवज में दिए गए भुगतान को भी रिकवरी करने के आदेश जारी होने लगा है। जैन ने कहा कि कोरोना महामारी की आड़ में सरकार मजदूर की ताकत और मजदूर संगठन को कमजोर कर रहा है। इस अवसर पर कैरी शाखा के अध्यक्ष गंदनंद शर्मा और TRD शाखा के कोते अध्यक्ष अब्दुल कासिम ने कहा, रेलवे कर्मचारी को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार रेल कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा शीघ्र करे, वरना कर्मचारी बहुत बड़ा आंदोलन करने को तैयार है। निश्चित ही साथियों, इससे रेल उद्योग की औद्योगिक शांति बिगड़ने वाली है। यूनियन के नेता शरीफ मोहब्बत, RP मंगल, रोडरी फ्रैंकलिन ने कहा कि सभी रेल कर्मचारी एकजुट होकर अपने अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष करें, हमें तभी सफलता मिल पाएगी। इस अवसर पर यूनियन के पदाधिकारी भावर सिंह मीणा, विकास चतुर्वेदी, उदय सिंह मीणा, सीताराम मीणा, देवेंद्र गुर्जर और वर्मा देवी आदि लोग वहां उपस्थित थे। इस अवसर पर रेलवे कर्मचारियों ने सरकार से बोनस की मांग की है। अगर बोनस नहीं दिया तो हम लोग इसके लिए विरोध प्रदर्शन करेंगे, ऐसा कहना है यूनियन के नेता श्री जैन साहब को। रेलवे ने माल ढुलाई से सितंबर में कमाए हैं 80 करोड़ रुपया। जी हाँ साथियों, कोटा रेल मंडल ने माल ढुलाई से सितंबर में 79 से 37 लाख रुपए की आय से अधिक अर्जित की है। यह आय पिछले साल के मुकाबले करीब 30% अधिक है। गत वर्ष सितंबर में रेलवे ने माल ढुलाई से करीब 61 करोड़ रुपया कमाए थे। कोटा मंडल के इस साल सितंबर में 295 रैंकों में 11,721 बैगन का लदान किया, जबकि गत वर्ष में सितंबर 241 रैंकों की 9456 बैगनों के लिए लदान किया गया था। गत साल की तुलना में इस साल सितंबर 22 सितंबर को 32% रैंक लदान किए गए हैं और करीब 24% लदान माल बैगनों में भरा गया है। कोटा मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अजय पाल ने बताया कि रेलवे के जरिए माल यातायात को बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसी का परिणाम है कि कोटा मंडल में माल यातायात से रेलवे की आय बढ़ रही है। और साथियों, गंगापुर सिटी के कर्मचारियों ने बोनस के लिए हड़ताल करने की बात कही है कि केंद्र सरकार को रेलवे कर्मचारियों का जो उसकी मेहनत का पैसा है उसके
खून पसीने की कमाई को उत्पाद के आधार पर बोनस अवश्य देना चाहिए था। पहले ही सरकार डीए को खा गई है, क्योंकि 1.5 साल के लिए सरकार ने कोरोना महामारी का बहाना बनाकर कर्मचारियों के साथ विश्वासघात किया है और पहले ही 1.5 साल के लिए महंगाई भत्ता को रोक लगा दिया है। इस पर फिर से बोनस को भी रोकने से कर्मचारी में बहुत ही आक्रोश है। इस पर यूनियन के नेता ने रेलवे बोर्ड से, रेल मंत्रालय से बोनस की मांग की है। साथियों, अगर आपको ऐसे ही सूचना की आवश्यकता होती है, अगर आप ऐसे ही सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम अगली बार से जो भी वीडियो डालेंगे आप तक आसानी से पहुंच सकेगा। तो दोस्तों, मैं मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय भारतीय रेलवे।